435 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली शंघाई मेट्रो इस वक्त दुनिया की तेज तरीन कमर्शियल ट्रेन है। ये ट्रेन शंघाई को पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ती है, जिनका फासला तकरीबन 29 किलोमीटर है, जो सिर्फ 7 मिनट 30 सेकंड में तय किया जाता है। लेकिन ये तो ट्रेनों की तेज तरीन स्पीड में पहला कदम है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो फिर आपको अभी तक ट्रेनों की स्पीड पर होने वाली टेक्नोलॉजी की तहकीकात का इल्म नहीं है। क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए तहकीकात की जा रही है, उसे देखकर तो लगता है कि सिर्फ 435 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार कुछ भी नहीं। इसके अलावा शंघाई मैगलेव से तेज तरीन ट्रेन होने का एहसास बहुत जल्द जापान की चू शिनकानसेन मैगलेव ट्रेन छीन लेगी। तो आइए आज की वीडियो में ट्रेनों की स्पीड और उनमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। Shanghai Maglev, the Japanese LO series Maglev, Japanese train prototype, is capable of reaching 374 miles per hour. ट्रेनों की स्पीड को समझने के लिए कि कैसे ये ट्रेनें इतनी ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेती हैं, एक बहुत ही बुनियादी असूल समझते हैं। स्पीड का इन्हिसार वक्त और फासले पर होता है, यानी जितना ज़्यादा फासला कोई चीज़ कम वक्त में तय करेगी, तो उस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी। दरअसल हवा और ज़मीन की रगड़ की वजह से फ्रिक्शन फोर्सेस को काउंटर करने में भी कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है, जिसकी वजह से वो आइडियल स्पीड रियल लाइफ में हासिल नहीं हो पाती जो फार्मूले से निकाली जाती है। तो सवाल ये है कि क्या स्पीड बढ़ाने के लिए ये मुखालिफ कुवतें, जिन्हें फ्रिक्शन फोर्सेस कहा जाता है, कम या फिर बिल्कुल ख़त्म की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। हवा की फ्रिक्शन को भी कम किया जा सकता है और सतह की फ्रिक्शन को भी बाईपास किया जा सकता है, यानी आप उस सतह को टच ही ना करें जिनसे फ्रिक्शन पैदा हो रही है ना, अजीब सी बात। लेकिन ऐसा मैग्लेव ट्रेनों ने कर दिखाया है। रवायती ट्रेनें हमेशा ही इस फ्रिक्शन का सामना करती रही हैं, लेकिन इन मैग्लेव ट्रेनों में इस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैग्लेव या फिर मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। इसमें इन ट्रेनों को मकनातीसी कुवतों की मदद से ट्रैक से ही उठा दिया जाता है। आपने मकनातीस के साथ कभी खेलते हुए देखा होगा कि दो मुखालफ सिरे या दो मुखालफ पोलैरिटीज़ जब एक दूसरे के सामने लाई जाती हैं, तो उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस पैदा होती हैं, जबकि एक जैसी पोलैरिटीज़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वह एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यही रिपेल करने वाली कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठा दिया जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़े मकनातीस लाकर ट्रेन के ट्रैक पर लगा दिए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। अगर इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊं, तो यूँ समझ लें कि ये रिपल्शन फोर्सेस एक तरह से बिजली की मदद से मकनातीसियत की सलाहियत पैदा करके हासिल की जाती हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। जैसे कि ये एक ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन इस्तेमाल की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठा दिया जाता है। ये रिपल्शन फोर्स ट्रैक और ट्रेन के दरमियान अमल करती है। ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठा दिए जाने की वजह से ही ट्रैक और ट्रेन के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स से बचा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रेन हवा में होती है, तो ये बिल्कुल, ट्रेन एक तरह से उड़ ही रही होती है। इस उड़ती हुई ट्रेन को दो फ्रिक्शन फोर्सेस की बजाय अब सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि हवा है। ट्रेन को ट्रैक से इस तरह उठाए जाने के अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन कहा जाता है। जापान इससे भी एडवांस मैग्लेव टेक्नोलॉजी, जिसे इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके चू शिनकानसेन ट्रेन बना रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। EMS और EDS दोनों में ही दरअसल एक जैसे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में ट्रेन की कोचों में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जो कोच को फेरोमैग्नेटिक ट्रैक से ऊपर धकेल कर रखते हैं। ट्रेन तकरीबन 10 मिलीमीटर ट्रैक से ऊपर हवा में उठ जाती है। ये 10 mm काफ़ी होता है ट्रेन के और ट्रैक के दरमियान फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए। ट्रेन में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक अल्टरनेटिंग करंट पैदा करते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस एक साथ पैदा हो रही होती हैं।
इन फोर्सेस की वजह से ही ट्रेन आगे की तरफ धकेली जा रही होती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से शंघाई मैगलेव ट्रेन हाईएस्ट 480 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच सकी, जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन इससे भी ज़्यादा स्पीड पैदा करने की सलाहियत रखता है। इस टेक्नोलॉजी में सुपर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट पर अमल किया जा रहा होता है और सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी मेथड में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का दर्जा हरारत बहुत कम कर दिया जाता है। ये कम दर्जा हरारत मैग्नेट्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उनसे ज़्यादा करंट गुजरता है और उनकी मैग्नेट्स की ताकत में भी इजाफा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज़्यादा पैदा होती हैं। ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स ट्रेन के साथ लगे होते हैं और लगातार माया हीलियम की मदद से ठंडा किए जा रहे होते हैं, लिहाजा इनकी ताकत कायम रहती है। ये नहीं कि थोड़ी देर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो वो गर्म हो जाएगी और उनकी सुपर कंडक्टिविटी का आंसर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेन के गाइडवे, जिसे आप ट्रेन की पटरी भी कह सकते हैं, मैग्नेट्स के दो सेट्स पर मुश्तमिल होती है। एक सेट क्वाइल की सूरत में आठ का हिस्सा बनाते हुए गाइडवे के साथ साथ लगा होता है। क्वाइल की निचली सतह का पोल ट्रेन के पोल के जैसा होता है, यानी उनकी पोलैरिटी सेम होती है, और ऊपर वाला मुखालफ पोलैरिटी का होता है। दोनों के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस एक साथ अमल करती हैं, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से तकरीबन 4 इंच ऊपर उठ जाती है। यही वजह है कि इस पर फ्रिक्शन फोर्सेस और भी कम हो जाती हैं, जबकि ट्रेन में इस्तेमाल होने वाला दूसरा मैग्नेट्स का सेट इसको आगे धकेलने में बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे कि EMS में अमल कर रहा होता है, जबकि EDS में ट्रेन हमेशा हवा में नहीं होती बल्कि इसमें टायर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये टायर उस वक्त तक काम करते हैं जब तक कि ट्रेन एक मखसूस स्पीड तक नहीं पहुँच जाती, इसके बाद टायर्स को ऊपर उठा लिया जाता है जैसे प्लेन में उठाया जाता है। इस मेथड से चू शिनकानसन ट्रेन जापान में बनाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस चू शिनकानसन ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर फी घंटा की होगी। क्या आपको लगता है कि ये 600 किलोमीटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है? जी नहीं, अभी तो स्पीड को कम करने में हवा की फ्रिक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन ट्रेनों को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, यानी इनके सिरे जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हवा की फ्रिक्शन का इम्पैक्ट कम से कम हो। लेकिन फिर भी हवा की फ्रिक्शन तो मौजूद होती है, तो टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्यों ना हवा की फ्रिक्शन को ही ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, एक और इंटरलूप मैगलेव ट्रेन पर तहकीकात की जा रही हैं। ट्रेन एक ट्यूब के अंदर गुजरेगी जिसमें हवा मौजूद ही नहीं होगी, मतलब कि इस ट्यूब के अंदर से हवा मुकम्मल निकाल कर वैक्यूम पैदा किया जाएगा, जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर जब ट्रेन गुजरेगी तो उस पर हवा की फ्रिक्शन भी नहीं लगेगी और ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी। बहुत ज़्यादा, आखिर कितनी ज़्यादा? आपकी क्या राय है कि कितनी ज़्यादा स्पीड होगी इंटरलूप मैगलेव ट्रेन की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।